शिवसेना विधायक सुनील प्रभु के संकल्प नेतृत्व और मार्गदर्शन से शिवसेना वार्ड क्रमांक 37 मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 95 महिला और पुरुष को चुंबकीय चश्मा लगाकर पूरी बॉडी का चेकअप किया गया। इस मेडिकल कैंप का आयोजन क्यों किया गया और ये चुंबकीय चश्मा आखिर क्या होती है, इन सब के बारे में सुनील प्रभु ने हमसे बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट है उनको एलोपैथी दवाइयों के बाद भी इस चुंबकीय जो वैद्यकीय सेवा है उससे आराम मिलता है, और इसलिए केवल आँखों का नहीं तो पूरे शरीर में इस तरह की एक ऊर्जा इस चुंबकीय शिविर के कारण उन्हें मिलती है और बहुत से पेशेंट अच्छे होते हैं। सुनील प्रभु ने कहा कि उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर कई उपक्रम किए गए और उन्हीं में से एक है ये मेडिकल कैंप। माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, इनके जन्मदिन के अवसर पर इस कुरार में बहुत सारे कार्यक्रम लिए गए हैं, उसमें ये कार्यक्रम है, और मुझे लगता है कि जिन जिन लोगों को इसकी जरूरत होगी उन सभी को इसका इलाज दिया जाएगा। इस चुंबकीय चश्मा की क्या खासियत है, इस बारे में हमने डॉक्टर से बात की, तो जरा सुनिए कि डॉक्टर साहब ने इस चुंबकीय चश्मे को लेकर क्या कुछ जानकारी हमें दी। उम्र के हिसाब से जो आने वाली तकलीफें है, जैसा घुटना दुखता है, कमर दुखता है, मान दुखता है, फ्रोजन शोल्डर है या सर्वाइकल प्रॉब्लम है, ऐसे घुटने के या कमर के या गले के कोई भी कितने भी जटिल प्रॉब्लम है उसके लिए 100% अप्लीकेबल ट्रीटमेंट है। कोई पेन किलर, कोई कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। एक महीने में ही हम कम से कम 100% नहीं तो 70-80% तो भी यहाँ पे पेशेंट ठीक होके घर में जाता है, सब दवा गोली बंद करके भी। चुंबकीय चश्मे का क्या क्या फायदा है और इससे किन किन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, जरा आप ये भी देखिए। इससे आँखों की कोई भी तकलीफ है, जैसा आँख में पानी आता है, लाल होना है या दुखता है या नंबर वगैरह बढ़ रहे कम नहीं होते हैं, ये मैग्नेटिक स्पेक्टेकल यूज करने से अपने नंबर धीरे धीरे कम होते हैं, आँख में पानी आता है, दुखता है या लाल होता है, एक चीज़ें 15 दिन में पूरी क्लियर हो जाती है, और इससे आँखों का जो नैसर्गिक तेज है वो बढ़ते रहता है और आगे चल के मोतियाबिंदु या काचबिंदु वगैरह आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।